हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आपको पता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत न्यू भर्तियों के बड़े बड़े धमाके जो भी आते रहते हैं, सबसे पहले सबसे फास्ट आपको जानकारी दे दी जाती है। तो आज की हमारी वीडियो क्या रहने वाली है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आप सभी को पता है कि न्यू भर्तियां चल रही है, जिसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में 5 गांवों के अंदर डायरेक्ट सरकारी नौकरी आ कि अगर मेरा भाई और बहन कोई भी 5 गांव से कोई भी बिलोंग करता है, जो गांव का नाम मैं बताऊंगा, जिनके अंदर सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती है, साथ में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों पर भर्ती है। अगर आपकी फैमिली में कोई कम पढ़ा लिखा है, 5वीं 10वीं 12वीं पास है, अगर आप उसको ट्यूबवेल ऑपरेटर लगवाना चाह रहे हैं, अपने ही गाँव के अंदर आप उसको नौकरी लगवाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से आप उसका फॉर्म भरवा सकते हैं। काफी टाइम के बाद में इन गांवों के अंदर जो ये ट्यूबवेल ऑपरेटर की जॉब आने लगी है भाई और बहनों, इसको जरूर अप्लाई करना। और आपको बता होगा पिछले 1 वीक से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, आपको अपडेट नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, मेरे को डेंगू वगैरह बुखार वगैरह हो गया था, उसके कारण आपके बीच में जो अपडेट्स हैं उनके बीच में जो रुकावट आई, उन सभी के लिए मैं सॉरी मांगता हूं और माफी मांगता हूं हम सभी के लिए। परंतु टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे के सारे अपडेट्स हैं वो रेगुलर मिलते थे, सुबह सुबह जो भी अपडेट आते थे कंटिन्यू आपको बताते रहते थे वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में। सुबह शाम दोपहर रात कोई भी अपडेट आता था वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाते थे, परंतु आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी पिछले 1 वीक से। अभी आपको रेगुलर वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे और हमेशा जो पहले से अपडेट आपको मिलते आ रहे थे उसी टाइप से आपको अभी भी हमेशा रेगुलर अपडेट मिलेंगे। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जो भर्तियों का भंडारा है, पिटारा है, वो किस प्रकार का चल रहा है, पिछले 1 वीक से जो भी भर्तियों के अपडेट नहीं मिल पा रहे उनको एक साथ में कवर करेंगे और आपको बहुत ही जल्द जो भी अपडेट आते रहेंगे कंटिन्यू नए नए इंफॉर्मेशन के साथ में हर एक जानकारी दी जाएगी। अगर भाई और बहनों, अगर आपने कोई ऐसी भर्ती का फॉर्म लगा दिया हो जिसकी आपको ना जानकारी हो, नहीं आपको कोई अपडेट मिल पा रहा हो, आपने फॉर्म तो भर दिया उसके बाद में नहीं आपको कोई ऑफर लेटर मिल पा रहा है, नहीं उसकी कोई जानकारी मिल पा रही है, अगर कोई ऐसी भर्ती का फॉर्म आपने लगा रखा है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी आपका इश्यूज होगा, जो भी आपका समाधान होगा, हर चीज के ऊपर आपका डाउट होगा वो बताया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपको कौन सी भर्ती की अपडेट चाहिए, आपको कौन सी भर्ती में लगना है, आपको कौन सी भर्ती के नौकरी के जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे सबसे पहले आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको कौन सी भर्ती का नोटिफिकेशन चाहिए। तो 5 गांवों के अंदर ये कौन सी जॉब्स आ रखी है ट्यूबवेल ऑपरेटर की, एक बार मैं आपको दिखाता हूं बताता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके, मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ब्लॉक डेवलपमेंट जो और पंचायत है अपने, वहां के ये चारोली के अंदर ये भर्ती आ रखी है, जिसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों के ऊपर जॉब आई है। काफी टाइम से हम आपको बताते रहते हैं कि जो आपके गाँव के अंदर जो नल वगैरह खोलते हैं, जो मोटर चलाते हैं, जो आपके घर में पानी आता है उसकी जो मोटर होती है वो कौन चलाता है, वो ट्यूबवेल ऑपरेटर चलाता है, तो उसके पदों पर ये जॉब आ रखी है। हर एक गाँव के अंदर ट्यूबवेल ऑपरेटर होता है। तो भाई और बहनों, अगर आपके गाँव के अंदर भी ट्यूबवेल ऑपरेटर की कोई भर्ती आती है, अगर आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको भी इसी टैब से मिल जाएगी। एप्लीकेशन जिसकी स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है, 14 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होगा, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 17 अगस्त। 17 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज के दिन ये कोई अप्लाई करना चाह रहा है, थानेसर के अंदर ये जॉब की लास्ट डेट रहने वाली है, तो थानेसर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है तो वहां के सभी बच्चे अपना जरूर अप्लाई करना और फॉर्म के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। और जो सोना से बिलोंग करता है उनके 24 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट आपकी 23 अगस्त रहने वाली है। 2 जिलों के अंदर ये जॉब आ रखी है, एक तो सोना के अंदर आ रखी है, एक आ रखी है थानेसर के अंदर। तो दोनों की जहां पर ये गांव के नाम किस प्रकार से रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन फी आपकी दोनों जगह की 0 रुपए रहती है, आपको एक भी पैसा कहीं पर भी पे करने की जरूरत नहीं है, दोनों जिलों की हमेशा 0 रुपए फीस रहेगी। एज लिमिट की हम बात करेंगे, 18 से लेकर 55 साल तक के जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं सभी के सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज में किसी भाई और बहन को छूट चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वहां पर भी आपको में जो आपका रिलेशन है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो आपको दे दिया जाएगा। इसके आगे हम बात करेंगे कि टोटल पोस्ट थानेसर के अंदर कितनी आ रखी है, 10 पोस्ट आ रखी है थानेसर के अंदर। कौन कौन से गांव के अंदर 10 पोस्ट आ रखी है, एक तो गांव पड़ता है दयालपुर, दयालपुर के अंदर 2 पोस्ट है, अभिमन्युपुर जो आपका थानेसर के अंदर ही आता है इसके अंदर 6 पोस्ट है, गामरी जाटन के अंदर 1 पोस्ट है, इसके आगे हम बात कर लेते हैं हंसाला के अंदर 1 पोस्ट है।
सोना के अंदर दो पोस्ट आ रखी है और वो भी केरले जो लाला गांव है उसके अंदर आ रखी है। इस प्रकार से टोटल 12 पोस्टों के ऊपर ये जॉब आई है। 12 पोस्टों के ऊपर दो तो सोना के अंदर है और 10 आपकी थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर पढ़ने वाली है। तो भाई गुरु बहनों अपना फॉर्म भरने से इच्छुक जो भी स्टूडेंट है सभी के सभी अप्लाई कर लो। कोई भी आज के दिन अप्लाई करना चाह रहा है बिल्कुल आराम से कर सकता है। जिसके अंदर आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना और क्वालिफिकेशन आपकी केवल 10वीं पास मांग रखी है। अगर आपने अपने हरियाणा बोर्ड से किसी भी बोर्ड से 10वीं पास कर रखी है तो आप जल कर्मी लग सकते हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर आप लग सकते हैं। केवल 10वीं पास मांग रखा है। जल विभाग के अंदर जो भी स्टूडेंट लगने का इच्छुक उम्मीदवार है सबसे पहले सबसे फास्ट आपको जानकारी दी जाती है। अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई गुरु बहनों यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। और आपने कौन सी भर्ती की अपडेट चाहिए, आपको कौन सी भर्ती के जो फॉर्म लगा दिया जिसकी आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और जो भी आपका डाउट होगा उसका समाधान किया जाएगा। और आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, आपको कुछ भी पूछना हो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि आने वाले हर भर्ती के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और आपको कोई भी डाउट होता है कुछ भी पूछना हो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, साथ में कमेंट करके ही बता सकते हैं। हर एक जानकारी की नॉलेज मिलेगी, हर एक जानकारी का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। और आपको कौन सी भर्ती की अपडेट चाहिए वो भी मुझे एक बार आप जरूर बताया करो। तो भाई और बहनों हर एक अपडेट आपको इसी प्रकार से मिलता रहता है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ऑफलाइन तो फॉर्म भरना पड़ेगा और बाई हैंड जाके आपको जमा करवाने पड़ेंगे। विलेज केरली लाला तहसील सोना के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम के अंदर ये गांव है, उसके गांव के सरपंच के पास में आपको पहुंचना होगा या ब्लॉक में आपको जाना होगा। वहीं पर ही आपको फॉर्म दिया जाएगा और वहीं पर ही आपके डॉक्यूमेंट चेक होके वहीं पर ही आपका फॉर्म है वो जमा कर लिया जाएगा। दूसरा चीज, BDPO ऑफिस थानेसर डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा, इस एड्रेस पर जो भी पहुंचेगा अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए सबसे पहले आज 17 तारीख है, 17 तारीख आज लास्ट डेट रहने वाली है इस भर्ती के। तो जितना ज्यादा हो सकता है थानेसर से भाई गुरबैन बिलोंग करते हैं कुरुक्षेत्र से सभी के सभी जो भी आज लगना चाह रहे हैं, जो भी स्टूडेंट लगना चाह रहे हैं सभी अपना फॉर्म भरिए, जिसके अंदर BDPO ऑफिस थानेसर डिस्ट्रिक्ट आपका कुरुक्षेत्र रहने वाला है। कुरुक्षेत्र वालों के लिए जॉब आ रखी है। अभिमन्युपर के अंदर 10 पोस्टें हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि 10 पोस्टें टोटल हैं थानेसर के अंदर। अभिमन्युपुर में 6 पोस्टें आ रखी है। तो इस प्रकार से करके वहां पर 10 पोस्टें हैं। जितना ज्यादा हो सकता है अपना फॉर्म भर अप्लाई कीजिए। और कोई भी डाउट्स होते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता है मुझे आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर भी, साथ में हमें यूट्यूब पर भी आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए आपको केवल इंटरव्यू देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो भी फॉर्म भरना चाह रहा है बिल्कुल आराम से भर लेना, और कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो भाई गुरु बहनों हमेशा इसी टाइप से सबसे पहले सबसे फास्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमेशा आपको सबसे पहले सबसे फास्ट इसी टाइप से हर एक जानकारी मिलती रहेगी। तो भाई गुरु बहनों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।